दोस्तों होप टॉक इस चैनल के बारे में आपने सुना ही होगा। यह चैनल क्रिएट किया गया है टेक चैंपियन जो कि टेक का चैनल है उनके द्वारा। उनका कहना है कि इस चैनल से जो भी छोटे क्रिएटर हैं जिनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर आकर यहां वीडियो बनाने पर यानी वहां जाकर जब वो वीडियो अपने चैनल के बारे में बताएंगे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं ये वो तो उनका चैनल ग्रो हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये अपनी दुकान चलाने के लिए यानी कि यहां से पैसा कमाने के लिए या फिर यहां पर फ्रॉडबाजी या फिर बहुत चीजें बोल रहे हैं ये सब करने के लिए इन्होंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो आखिर क्या सच है, क्या सच में वहां जाने से आपका चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ये अपनी दुकान चला रहे हैं यानी यहां पैसा कमाने के लिए बहुत सारा ये तामझाम किए हैं, क्या सच्चाई है इस चैनल के बारे में, सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है कि आखिर इसके पीछे क्या सच है क्योंकि बहुत दिनों से इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव और स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टिकटॉक भी संजीव में। तो चलिए मैं आपको पूरा फुल डिटेल में जो सच है इसका पूरा का पूरा सच और प्रूफ के साथ बात करूंगा। सच पूरा 100% जो भी है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके पहले अगर अभी तक इस चैनल से आप लोग नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जो लोग बोल रहे हैं कि ये अपनी दुकान चलाने के लिए पैसा कमाने के लिए इन सब के लिए ये एक नाटक किए हैं, ये चैनल खड़ा किए हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं इस दुनिया में कोई भी है अगर कोई काम कर रहा है तो वहां अपना प्रॉफिट वो जरूर देखेगा, चाहे वो 10% देखे या फिर 100%। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट तो उनका होता है लेकिन अपने प्रॉफिट के बारे में वो कम सोचते हैं, दूसरों की प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसा है इस चैनल की सच्चाई, इसमें प्रॉफिट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए ये पूरी दुनिया काम कर रही है। अगर जहां प्रॉफिट की बात नहीं होगी वहां कोई भी काम ही नहीं करेगा। तो प्रॉफिट तो है उनका, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट उनके लिए है जो एक नए क्रिएटर है जिनके लिए उन्होंने ये चैनल खड़ा किया है, यानी कि जो उन्होंने नए क्रिएटर के लिए चैनल खड़ा किया है कि नए क्रिएटर यहां पर आएंगे जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं यहां पर और सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं यूट्यूब पर, वो आएंगे अपनी स्टोरी बताएंगे, इससे उनके चैनल पर लोग जाएंगे देखने के लिए उनके वीडियो और इसके बाद उनके चैनल की रीच हो जाएगी और इसके बाद फिर भाई उनका चैनल चल जाएगा जो अभी तक नहीं चला था। तो क्या यह सच्चाई है, इस बारे में मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो मैंने थंबनेल पर लिखा है कि यहां जाने से भी नहीं होगा चैनल ग्रो, आखिर मैंने ये क्यों लिखा है ये आप देखकर, वीडियो जो मैं आपको बताने चल रहा हूं सच ये देखने के बाद आप समझ जाएंगे जिसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो पहले बात करते हैं चैनल, चैनल तो अपना सही है, जो भी उनका पर्पज है बहुत सही है। अब सब प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी अपने प्रॉफिट से बनाए हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट जिनके लिए बनाए हैं यानी नए क्रिएटर के लिए उनका है। सबसे ज्यादा मेन प्रॉफिट जो अच्छा है एक नए क्रिएटर के लिए है। होप टॉक के बारे में चैनल को आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, काफी अच्छा चीज है, अच्छा इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं कि आखिर मैंने क्यों कहा कि चैनल ग्रो नहीं होगा आपका वहां जाने पर, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं कि चैनल की रीच बनेगी। तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई YouTube पर आकर काम कर रहा है 2 से 3 साल, कड़वा सच है लेकिन जरूर सुनिएगा आप लोग, इससे आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि यह वीडियो इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर आप YouTube पर 2 से 3 सालों से 4 सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए जिसमें 5-5 सालों का जिक्र हुआ है, 3 से 4 साल 5 सालों से अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं 90% यानी 100 में से 90% चैनल जो भी इस टाइप के हैं, जो जिसका 2 से 3 साल हो गया है वो YouTube पर ग्रो नहीं किए हैं, 4 साल हो गया है YouTube पर ग्रो नहीं किए हैं, 90% चैनल डिजर्व ही नहीं करते सक्सेसफुल होने के लिए। मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं, मैं मानता हूं 10% ऐसे चैनल होते हैं जिनको अगर स्टार्टिंग में थोड़ा पुश मिल गया यानी कंटेंट उनका अच्छा है, एक बार उन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया, थोड़ा बहुत रीच आ गई तो वो फिर ग्रो कर जाएंगे, मैं मानता हूं ये बात है, ऐसे 10% चैनल। लेकिन 90% चैनल के अंदर चैनल में ही कमी होती है, चैनल के कॉन्टेंट में ही कमी होती है जिसलिए वो ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि YouTube की आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपका चैनल नहीं ग्रो करेगा, कि फलाने ने चैनल बनाया है इसका भैया चैनल नहीं ग्रो करना है क्योंकि इससे मेरी दुश्मनी है,
ऐसा तो है नहीं। अब बात आती है कि अच्छा कंटेंट बनाने के बाद भी चैनल वायरल नहीं जाता, यह सिर्फ 10% हो सकता है, 10% या फिर उससे भी कम होगा, 10% हो सकता है। अब वो भी 10% केस में एक साल से आप काम कर रहे हैं, चैनल नहीं ग्रो हुआ, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल बीत गए हैं, अगर आपके कंटेंट में दम है तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि चैनल ग्रो हो कर रहेगा। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि आपका चैनल ग्रो ना हो। अगर मान चलता हूं कि थोड़ा लेट हो जाता है किसी के साथ, 1 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन अब 4-4, 5-5 साल लग जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब 4 से 5 साल अगर आपका लग रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है, आपके कंटेंट की कमी है, आपके चैनल की कमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक टेक चैनल चलाता हूं तो मुझे टेक चैनल हुआ, शॉर्ट चैनल हुआ, उसके बारे में अच्छा नॉलेज है जिस पर मैं ऑब्जर्व करके आपको बता सकता हूं। तो मैंने चैनल्स देखे हैं बहुत सारे, जो भी चैनल्स ऐसे होते हैं कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, मैं जाकर देखता हूं उनका टेक का चैनल है, अच्छी बात है, थंबनेल बढ़िया बना रहे हैं। अब उनकी कमी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट में टेक चैनल स्टार्ट किए, पता चला व्हाट्सएप की सेटिंग बता रहे हैं, और वो वीडियो उनका वायरल चला गया, 4 लाख 6 लाख 8 लाख व्यू चले गए, उससे उन्हें 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर भी मिल गए। आप बताइए कि मैं अगर आपको व्हाट्सएप की सेटिंग बताऊंगा क्या आप वीडियो देखेंगे? मेरा चैनल है टिप्स रिलेटेड, यूट्यूब टिप्स, टेक रिलेटेड चीजें बताना, यूट्यूब से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे एडिटिंग है, थंबनेल है, कुछ भी है, या फिर कोई टिप्स है कैसे चैनल ग्रो करना है, इससे रिलेटेड चीजें बताना। अब मैं आपको व्हाट्सएप की आकर सेटिंग बताऊंगा तो आप वीडियो देखेंगे? कभी भी नहीं देखेंगे। अब उनकी क्या कमी है? जो भी 90% में टेक चैनल की बात कर रहा हूं, 90% मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, 90% में टेक चैनल की बात कर रहा हूं, वो टेक पर आएंगे, लेकिन इसके बाद पता चला व्हाट्सएप में ये फीचर, ऐसा कर दो तो लड़की का लोकेशन पता चल जाएगा, ऐसा कर दो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इस तरीके का वीडियो बनाएंगे, उस पर 4-6 लाख 8 लाख व्यू आ जाएंगे, 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, और फिर बाद में वो YouTube टिप्स देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं मेरा चैनल नहीं ग्रो हो रहा है। मैं आपको बता दूं, YouTube आपका चैनल एक बार ग्रो करता है, ग्रो का मतलब है जैसे कोई वीडियो आपका एक बार वायरल कर दिया, अब वो वीडियो आपका जो चैनल नीच है उससे रिलेटेड नहीं है तो ये समझ लीजिए उसी टाइम 5 साल नहीं 50 साल आप काम कर लीजिए, आपका चैनल कभी भी बूस्ट नहीं करेगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। इसीलिए बोला जाता है आपके जो चैनल की नीच है, 1 साल 1.5 साल काम करिए, नहीं ग्रो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सही से काम करिए, लेकिन जो आपके चैनल की नीच है उसी से रिलेटेड वीडियो बनाइए। अगर आप वीडियो से हटकर बना दिए और वो वीडियो वायरल चला गया तो समझ लीजिए फिर आपका जो मेन नीच है जिस पर आप चैनल बनाकर काम कर रहे हैं वो कभी भी आपका चैनल वायरल नहीं जाएगा, और आप ऐसे ही बोलेंगे कि मेरा इतने साल से काम कर रहा हूं नहीं वायरल जा रहा है, और 90% यही कमी होती है। अब मैंने आपको जो थंबनेल में बोला था कि यहां के जाने पर भी आपका चैनल नहीं होगा ग्रो, उसके पीछे की क्या बात है? तो उसके पीछे की बात यह है कि जैसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जैसे होप टॉक है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन काम हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक सही इनिशिएटिव के साथ, सही सोच के साथ, दूसरों का थोड़ा हेल्प करने के लिए अच्छा काम हो रहा है, मैं इसको अच्छा करूंगा, आप अप्रिसिएट करूंगा इस काम को, बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन अब क्रिएटर वहां जाकर सबका चैनल ग्रो हो जाए ये कभी नहीं होगा, क्योंकि चैनल कोई गया उस पर व्यूज आए, मतलब उस वीडियो पर सभी जाएंगे चैनल चेक करेंगे कि लाइए देखते हैं क्या भाई बनाते हैं, किस तरीके का इनका कंटेंट है, वो जाएंगे आपके एक वीडियो भी अगर वो देखेंगे तो आपके चैनल के कम से कम 5 वीडियो उनके पास YouTube खुद भेजेगा, या फिर पिछला वीडियो होगा या फिर आगे का जो आप वीडियो डालेंगे वो वीडियो होगा, वो जरूर भेजेगा, लेकिन यहां पर काम करेगा आपके कंटेंट में दम होना, आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए यूजफुल है या नहीं। अगर आपके कंटेंट में दम होगा तभी जो 10,000 लोग अगर मान के चलिए आपके चैनल पर विजिट किए वहां पर जाने से, तो वो 10,000 लोगों में से आपको वो सब्सक्राइब करके रेगुलर तभी वॉच करेंगे जब आपका चैनल पर दम होगा, क्योंकि रीच तो आपको मान चलिए एक बार जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी तुरंत बूस्ट, आ गए लोग आपको देखने के लिए, लेकिन वहां आपके चैनल पर दम होना चाहिए ना, ये चीजें होती हैं। जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बोल दिया भैया ये मिठाई की दुकान है, यहां पर बहुत अच्छा मिठाई मिलता है, तो जितने लोग उनको फॉलो करते हैं वो जाएंगे उस मिठाई की दुकान पे, भैया हाँ फलाने ने बोला है बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है तो अच्छी मिलती होगी, वो गए दुकान पर,
एक बार भीड़ तो भेज दिया आपने उस दुकान पर, लेकिन वो दुकान तभी चलेगा, यानी वो भीड़ बार बार तभी जाएगी वहां पर मिठाई लेने, जब सच में वहां मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। अब मिठाई वहां अच्छी है नहीं, भीड़ तो एक बार चली गई, मान के चली गई, पहली बार पहुंची, खरीद ली अपना जो आधा किलो एक किलो खरीदना है, एक बार तो वो ले ली, लेकिन खाने के बाद उसे लगा रहे यार ये तो मतलब पैसा वेस्ट था, तो वो दोबारा नहीं जाएगी। ऐसा ही है आपका कॉन्टेंट, आपको एक बार स्टार्टिंग पुशअप तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो नहीं चलेगा चैनल, और जिसके कंटेंट में दम होगा वो चल जाएगा, आराम से चल जाएगा वो चैनल, उसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे चैनल ग्रो भी हो जाएंगे और बहुत सारे चैनल वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये थंबनेल में बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है, जो आपका चैनल का नीच है उसी से रिलेटेड हमेशा आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग के आप क्रिएटर हैं, कोई भी वीडियो आपका वायरल जा सकता है, बस अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अब मान के चलिए आप कोई ऐसा कंटेंट बना दिए जो आपसे चैनल से रिलेटेड नहीं है, अब वो वायरल चला गया, तो ये समझ लीजिए आप सालों साल मेहनत करते रह जाइए, जो आपकी मेन नीच है उससे वीडियो आपका वायरल नहीं जाएगा। अब आपका चैनल एक बार ग्रो हो गया, वायरल चला गया, वहां पर आप थोड़ा बहुत मिक्स कंटेंट डाल सकते हैं अब, लेकिन स्टार्टिंग में आपके 2-4-10 व्यू आ रहे हैं, 10-20 सब्सक्राइबर है, उसमें आप मिक्स कंटेंट अगर डालेंगे, अब आपका जैसे व्हाट्सएप सेटिंग ये वो कोई ऐसा वीडियो वायरल चला गया, वहां से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो आपका यूट्यूब टिप्स देखना पसंद करेंगे, उनको तो अपने व्हाट्सएप से मतलब है ना। तो इसलिए ये गलती आप मत करना जो बहुत सारे टेक यूट्यूबर कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, मैं टेक की नहीं, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, कभी भी अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट मत डालना, वरना सालों साल आपके बीत जाएंगे, यूट्यूब पर आप ग्रो नहीं करेंगे, और यही मेन रीजन होता है जो सालों साल मेहनत करने पर भी लोग ग्रो नहीं हो पाते हैं। कभी भी आप व्यूज के चक्कर में, इनके चक्कर में कोई भी वीडियो मत बना देना। ये वीडियो वो बना सकते हैं जिनका चैनल थोड़ा ग्रो हो गया है, व्यूज के लिए लाइव बना देते हैं, इस पर अच्छा व्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग में आप हैं तो आप हमेशा ट्रेंडिंग कोई टॉपिक चल रहा है तो आपको अगर वीडियो बनाना है तो अपने चैनल से रिलेटेड करके बनाइएगा। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, KGF चैप्टर 2 ये सब के बारे में बताया था कि आप फैक्ट के हैं तो इस तरीके का वीडियो बना दीजिए, टेक का है तो इसका इस तरीके का वीडियो बना दीजिए, ब्लॉग के हैं तो इस तरीके का बना दीजिए, कुकिंग के हैं तो इस तरीके का बना दीजिए, मैं खुद आपको तरीके बताता हूं, इसी तरीके का बना दीजिए जो आपसे नीच से आपके चैनल से रिलेटेड होता है वो चीजें, और वो वायरल चली जाएंगी तो आपके चैनल को फायदा है। अब आप अपने चैनल के कंटेंट से ही हटकर टेक का है, मूवी रिव्यू आपने कर दिया, वो वीडियो वायरल चला गया, तो आपका फिर यूट्यूब टिप्स कौन देखेगा? तो ये गलती नहीं करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, कभी भी मिक्स कंटेंट मत डालना आप व्यूज के चक्कर में। अगर आपको जेन्युइन ग्रो करना है यूट्यूब पर, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हमेशा टिके रहना है, तो हमेशा अपने चैनल से रिलेटेड कंटेंट डालना। एक बार चैनल ग्रो हो जाए तो थोड़ा बहुत आप वहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और भी कंटेंट डाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, मैंने जो आपको होप टॉक के बारे में बताया उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, काफी अच्छा काम हो रहा है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर खत्म करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आपको जानकारी दी पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।